हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि एक दर्जन केले का दाम 72 रुपया है तो 15 केले का दाम कितना होगा। वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें बोला है एक दर्जन केले का दाम 72 रुपया, तो हमें पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं। तो एक दर्जन में टोटल 12 केले होते हैं। एक दर्जन में टोटल 12 केले होते हैं, तो इसका मतलब 12 केले का दाम है 72 रुपया। 12 केले का दाम है 72 रुपया। हमें निकालना है 15 केले का दाम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक केले का दाम निकालेंगे। एक केले का दाम, तो क्या करेंगे, 72 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 के टेबल में 72 आता है 6 बार में, तो ये 6 से कट जाएगा, ये आ गया 6 रुपया। तो एक केला का दाम कितना आ गया, 6 रुपया आ गया। अब हमें निकालना है 15 केले का दाम। 15 केले का दाम, तो क्या करेंगे, एक केले का दाम जितना है उतना 15 से गुना कर देंगे, तो 15 × 6, तो 15 × 6 = 90 रुपया। तो 15 केले का दाम कितना आ गया, 90 रुपया आ गया। दूसरा सवाल है, यदि 4 केले का दाम 20 रुपया है तो एक दर्जन का दाम कितना होगा। ठीक है, पहले वाले में एक दर्जन का दाम दे रखा था और 15 केले का दाम पूछा था, इसमें 4 केले का दाम दे रखा है और एक दर्जन का दाम पूछ रखा है। तो 4 केले का दाम है 20 रुपया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक का दाम निकालेंगे, एक केला का दाम। तो क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 × 5 = 20, ये आ गया 5 रुपया। तो एक केला का दाम कितना आ गया, 5 रुपया। हमें निकालना है एक दर्जन, एक दर्जन यानी 12 केले, तो 12 केले कितना हो जाएगा, 12 × 5, जो एक केले का दाम आया है, तो 12 × 5 = 60 रुपया। तो 12 केले यानी एक दर्जन केले का दाम कितना आ गया, 60 रुपया आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से दोनों सवाल समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।